जो प्रैक्टिकल करके फील्ड से हम आते हैं वही आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल करके जो आते हैं वही आपको बताते हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं तो सही रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों जय आर सी एम, कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद मौर्य डीएस पे। पैसा कमाना इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, आप में से कितने लोग डिसीजन लेना चाहते हैं ईमानदारी से हाथ ऊपर करें। देखो ऊपर वाला भी देख रहा है, आपने हाथ ऊपर किया तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली से रखें। हम प्लान कैसे दिखाएं जिससे रिजल्ट सही आए? बिल्कुल सही, ये सवाल कई लोगों का था और ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। जैसे हम जब किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं तो कई बार आप देखते होंगे कि आसपास वाले ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब कि दिखाने गए थे एक से दो लोग को प्लान, लेकिन वहां पर 5-6-7 लोग प्लान दिखाने के लिए, प्लान देखने के लिए बैठ जाते हैं। तो वहां पर हम कैसे प्लान दिखाएं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्लान सही नहीं दिखाएंगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा और प्लान आपका खराब हो जाएगा। तो आप आज वाली वीडियो में ये समझ पाएंगे कि हम प्लान को कैसे दिखाएं। जब आप किसी के पास जाते हैं तो एक चीज की आप तैयारी करके जरूर जाएं, आपके पास एक छोटा सा बोर्ड होना चाहिए। छोटा सा बोर्ड का मतलब, जैसे मेरे पास है, मैं दिखा दूं आपको, एक इतना छोटा सा बोर्ड होना चाहिए। ये देखो, ये बोर्ड आपके पास में होना चाहिए और आपके बैग में आ जाना चाहिए। ये बोर्ड आपके पास रहेगा, आपके बैग में रहेगा, तो कभी भी कहीं भी आप, यहाँ पर देखिए ये हुक लगा हुआ है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, तीर इसमें देखिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप कहीं भी किसी भी दीवार पर इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं और लगा करके 4-5-6 लोग हैं, 10 लोग हैं तो आप वहां पे प्लान दिखा सकते हैं। ये तैयारी आप जरूर करके जाएं। दूसरी तरफ चौक, उधर मार्कर वाला है, इधर चौक से आप लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें है। ये बहुत छोटा सा स्मॉल बोर्ड है ये, तो ये आप जरूर अपने बैग में लेकर के जाए और इससे आपका बहुत फायदा होगा। एक चीज और आता है, एक बोर्ड पेपर आता है, वो भी आपको कम पैसों में उपलब्ध हो जाता है बोर्ड पेपर, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो जहां ज्यादा लोग हो जाए वहां आप अपने डायरी पर प्लान ना दिखाएं, आप बोर्ड पर प्लान दिखाएं। अब बात आती है कि डायरी पर प्लान कैसे दिखाएं। डायरी पे प्लान जैसे दिखाते वैसे दिखाएं, लेकिन बैठना किधर है? कई बार हम प्लान दिखाते हैं लेकिन जो प्लान देखने वाला है वो हमारे सामने बैठा होता है, बिल्कुल सामने अपोजिट बैठता है। तो जब आप इस तरह प्लान दिखाओगे ना तो आपका प्लान उसको उल्टा समझ में आएगा। तो कोशिश करो कि आप अपने, अगर आप राइट हाथ से लिखते हो, दाहिने हाथ से लिखते हो, तो आप उस व्यक्ति को अपने दाहिने तरफ बैठा लो। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हो तो आप उनको बाएं साइड में, अपने पास में साइड में बैठा लो। अगर वो बाएं साइड नहीं बैठ सकते, जहां बैठे वहां आप घूम जाओ, आप थोड़ी सी घूम जाओ, ताकि जो प्लान आप दिखाओ, जो लिखो, जो बताओ, उनको सीधा दिखे कि हाँ ये सही है। आप उधर बैठा दिए, सामने बैठा दिए, आप प्लान दाहिने हाथ से दे रहे हो, वो आपके बाएं साइड बैठे हुए हैं, तो प्लान का रिजल्ट सही नहीं आता। इस चीज को आप ज्यादा ध्यान दें। एक चीज और, आप कई बार जाते हैं तो लोग कुर्सी ले आकर के, चेयर ले आकर के रख देते हैं, उस पर हम बैठ जाते हैं, बैठ करके वो अपने सामने बेड पर बैठ गए या चारपाई पर बैठ गए, तो उनको हम प्लान जब देते हैं तो इस तरीके से जब उनको प्लान देते हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि जहां वो बैठे वहीं आप बैठे, उनके आसपास में बैठ जाएं। आसपास में बैठने से ही उनको आप सही प्लान बता पाएंगे, नहीं तो अगर आप उनके पास या उनके साइड में नहीं बैठते हैं तो जो आपका प्लान है वो सही नहीं हो पाएगा, उनके समझ में नहीं आएगा, और प्लान जब समझ में नहीं आएगा तो फिर वो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इस तरीके से तैयारी आप जरूर करके जाए। अपने साथ मार्कर जरूर रखें, अपने पास चाक मिट्टी जरूर रखें आप, और आप जब ज्यादा लोग देखें तो बोर्ड पर प्लान जरूर दें। तीन लोग से ज्यादा हो गए तो आपको बोर्ड पर प्लान देनी है, खड़े होकर के प्लान देनी है, उन सभी लोगों को एक साइड में साथ में बिठा देना है। एक चीज का और उसमें ध्यान रखना है दोस्तों, कि वहां पर जो लोगों का फोन ऑन रहता है उनको साइलेंट मोड पे करा देना है। कई लोग बीच में डिस्टर्बिंग करते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं, तो उनको प्यार से, आराम से, प्रेम से बोल देना कि भाई साहब आप थोड़ा देर के लिए, तो जरूरी फोन है तो आप बात कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा देर के लिए आप बाहर हो जाइए या थोड़ी सी आप उधर चले जाइए, मैं अपनी जो बात है वो बता लेता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से कई लोग यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे चले जाओ, मैं अभी आपको फिर बुला लूंगा, फिर आपको मैं अलग से बता दूंगा। अगर आपको कोई जरूरी इमरजेंसी कोई कॉल आ रही है तो आप बाहर जाके बात कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। एक चीज और होता है, एक चीज का और ध्यान दें आप, बीच में कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उनको ये बोले कि बिल्कुल सर, मैं आपके हर सवाल का आंसर करूंगा, हर सवाल का सही मतलब उत्तर दूंगा, मैं जवाब नहीं बोलना है, सही उत्तर दूंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं उसको आप सुन लो, समझ लो, उसके बाद लास्ट में आप जो भी पूछना होगा हमसे पूछ लेना, क्योंकि आपके एक के वजह से कई लोग का यहां पर ये माहौल खराब हो जाता है। इस तरीके भी कई जगह पे एनाकोंडा आपको मिल जाता है जो ऐसे वैसे सवाल करना शुरू कर देता है, तो उनको अकेले में उनका इलाज करें, बीच में ना करें, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। बीच में आपको प्लान देते समय, आपको मीटिंग देते समय बोर्ड पर खड़े होकर किसी का सवाल आंसर नहीं करना है, सवाल जवाब आपको नहीं करना है जब तक आपकी प्लान चल रही है। प्लान खत्म हो जाए, आपका मीटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद जिसका जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि आपका जिसका जो सवाल है, कोई कंफ्यूजिंग है वो पूछे। लेकिन मैं 99% गारंटी देता हूं कि जब आप प्लान दिखाओगे, अपना प्लान के बाद जो आप फायदे बताओगे, प्रोडक्ट की जानकारियां दोगे, उसके बाद उसके सारे सवाल लगभग खत्म हो जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो प्लान कैसे दिखाना है, किसको किधर बिठाना, आपने किधर
अंदर बैठना है वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। जब 3 से ज़्यादा लोग जाए तो बोर्ड पर प्लान देना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो रोकना नहीं, अपने ग्रुप में शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके और सही प्लान हो सके लोगों के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब उसको दबाइए और साथ में बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल करके फील्ड से हम आते हैं वही आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल करके जो आते हैं वही आपको बताते हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं तो सही रास्ता दिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊँगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।